गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी द इलाहाबाद। कल जो हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसी होमवर्क को आज पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन हम सिर्फ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे, उसी पे लगाएंगे। तो आज जो क्लास है वो कल का ही एक्सटेंशन माना जाएगा। कल जो हमने पढ़ा था उसी में कुछ और क्वेश्चंस आज भी करेंगे, राइट? तो चलिए, हमारा कल जो पहला प्रश्न दिया था मैंने, आपको 5 नंबर इनपुट कराना है और उन 5 नंबर का आपको एवरेज निकालना है। तो आपको पता है 5 नंबर का एवरेज कैसे निकाला जाता है। आपने 5 नंबर लिया, ए बी सी डी और ई। पहले इन 5 नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसे भाग देंगे, क्योंकि 5 नंबर है तो 5 से, तो ये मिल जाएगा हमें एवरेज। तो हमारा एवीजी एवरेज विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 नंबर डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो पहला स्टेप होगा इनपुट लो, इनपुट 5 नंबर्स, उसके बाद कैलकुलेट करो एवरेज और उसके बाद प्रिंट करो। तो ये हमारा स्टेप होगा। चलिए इसको हम लोग पूरा करते हैं। चूंकि हम लोग इनपुट लेंगे स्कैनर प्रिंटर से, तो इसे मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। इसी प्रकार से हमें कोनियो डॉट एच को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि हम लोग सी एल आर एस सी आर यूज करने वाले हैं, तो कोनियो डॉट एच को भी इंक्लूड कर लेंगे। आई होप इतना तो आप लोगों को पता ही हो चल चुका होगा। फिर उसके बाद मेन फंक्शन शुरू करते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर हम जो सबसे पहला काम करते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो हमें 5 इनपुट चाहिए, तो उसके लिए 5 वेरिएबल चाहिए, और उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल चाहिए, तो हम कुल मिलाकर के 6 वेरिएबल लेंगे। हमने यहाँ पे लिया इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल्स, ए बी सी डी और ई। ध्यान रखिए, जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में क्या होता है, उसे भाग देते हैं 5 से। यहाँ पे 5 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर है। तो जब भाग देते हैं तो उसमें फ्रैक्शनल आ सकता है, दशमलव आ सकता है। तो दशमलव जब आएगा तो इंटीजर में नहीं स्टोर होगा, तो उसके लिए हम क्या कैसा वेरिएबल लेंगे, फ्लोट। याद रखिए, हमने बताया था अगर फ्रैक्शनल आ रहा है, दशमलव वाला आ रहा है, तो फ्लोट लेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे फ्लोट। आप लोगों में से सभी ने ऐसे ही गलती की है, केवल एक बच्चे को छोड़ करके, जो भी हो, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा, और हमने फ्लोट वेरिएबल लिया ए बी जी, ठीक है ना। केवल एक बच्चे ने सही किया है, बाकी सबका ये छोटी मोटी गलती है, उसको मैंने नजरअंदाज किया है। अब पहले तो हमने स्क्रीन को क्लियर कर लिया, ठीक है। अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि हमें 5 नंबर इनपुट लेना है, तो हमने यहां पे लिखा स्कैनर परसेंट डी और परसेंट डी, 5 बार, क्योंकि 5 इंटीजर चाहिए, तो हमने 5 ले लिया। और यहां पे पहला वाला ए में, दूसरा वाला बी में, तीसरा वाला सी में, चौथा वाला डी में, और 5वां वाला डी में। इनपुट तो हो गया, अब प्रोसेसिंग। हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया, एवरेज विल बी, इनको ऐड करो पहले, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और डिवाइडेड बाय 5। सूरज भान ने शायद ऐसे ही गलती की है, सूरज भान ने या पवन ने, ऐसे लिखा था ना, ये क्या गलती है। इसमें क्या होगा, ये केवल ई को 5 से भाग देगा, पॉडवास रूल आपको याद होगा, है ना। सबसे पहले डिवीजन करता है, तो सबसे पहले डिवीजन यहां पे आएगा,
ई को पास से भाग देगा पर फिर बाद में ये सब जोड़ देगा तो गलत हो जाएगा। हमें इनको जोड़ने के बाद डिवाइड करना है। तो या तो हम ऐसा लिखते हैं, या तो हम इसे दो स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना, और यहां पे हम सम को भी डिक्लेयर कर देते हैं। और उसके बाद लिखते हैं एवरेज बराबर सम बटे पांच, ऐसे लिखते। या फिर अगर हमें ये वेरिएबल नहीं यूज करना है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इसको ब्रैकेट में कर दो, सारा पहले ऐड होगा उसके बाद पांच से भाग दो। यहां पर देखो हमने लिखा 5.0, ये 5.0 इसलिए लिखा है अगर मान लेते हैं हमारा नंबर होता है 98, सम मान लो 98 आया, 98 बटे 5 तो आंसर क्या आएगा, 5 एकम 5 48, 5 नवा 45, 3 बचा, दशमलव कुछ आना चाहिए, बट ये चूंकि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, अगर ये केवल 5 होता, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर केवल इंटीजर आता, 19 आता, जबकि दशमलव वाला पार्ट गायब हो गया। हम चाहते हैं दशमलव वाला पार्ट आए, तो हम क्या करें, इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट। अब ये क्या करेगा, रिजल्ट आएगा 19.6। अब ये 19.6 किसमें आ जाएगा, एवरेज में, एबीजी में, हो गया। अब इस एवरेज को हम क्या करें, प्रिंट करा दें। तो प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन बढ़ा था आपने कल, वेरी गुड, प्रिंट एफ, क्या एवरेज इज परसेंट एफ, और यहां पे एफ की जगह किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए बी जी की है, काम खत्म। समझ में आया, सही है, किसी को कोई डाउट पूछ सकता है। अब जरा सर इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, आगे के बोलो सर, वहां पे 5.0 है जो अगर आंसर हमारा दशमलव बना है तो भी आउटपुट में दशमलव आएगा, जैसे 20 आया आउटपुट तो 20.0 दिखाएगा, ठीक है। अब जरा सा हम इस क्वेश्चन को रन करके कंप्यूटर पे देखें कैसे आता है, उसमें ऊपर दिख रहा है, हमने लिखा हैश इंक्लूड एसटीडीआर डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर वॉइड नेम, अब इसके अंदर पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लो आई डी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, है ना, फिर फ्लोट टाइप में वेरिएबल लिया ए बी जी, फिर स्क्रीन को साफ किया, फिर स्कैनर कराया, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, और एक और बचा था परसेंट डी, सारे हो गए। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई इनपुट हो गया। अब यहां पे हमने क्या क्या कहा, ए बी जी बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5.0 हुआ। अब हम क्या करें, इसको प्रिंट करा दें, प्रिंट एफ, एवरेज इज परसेंट एफ, और यहाँ पे परसेंट एफ की जगह किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए बी जी। अब यहाँ पे गेट सी एच, अब इसको सेव कर लेते हैं ए बी जी के नाम से,
सेम हो गया। अब इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों एक साथ करते हैं, है ना। एक काम करता हूँ मैं पहले इसको CLR/SCL को हटा देता हूँ, जिससे आपको पता लगे स्क्रीन साफ नहीं होती पर होने पे क्या दिखता है। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट में डाल दिया। कमेंट में डालने का मतलब क्या है, इसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बाद में हटा देंगे, है। चले Ctrl+F9 कंपाइल लिंक एंड एग्जीक्यूट तीनों हो गया। कर्सर रुक गया, मतलब इनपुट चाहिए, है ना। तो इनपुट हमें क्या देना, 5 नंबर 23, 45, 67, 89, 12 5 नंबर हो गए। आपको बताया उसने 47.200001 सही है। अच्छा यहां देखिए हमारा आउटपुट स्क्रीन, दोबारा इसको रन करते हैं, है? Ctrl+F9 दोबारा से। अब देखिए पुराना आउटपुट दिखा रहा है, उसके आगे नया इनपुट मांग रहा है, गंदा लग रहा है ना। आउटपुट साफ हो जाना चाहिए था, इसीलिए हम लोग लगाते हैं CLR/SCL। अब फिर हमने नंबर दिया 33, 44, 55, 66, 77, 88 5 नंबर हो गए, 6 हो गए। आउटपुट क्या है, 55 सही है। यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं और दोबारा से रन करते हैं। स्क्रीन क्लियर हो गया ना, ये फर्क होता है 11, 22, 33, 44, 55, 33 सही है। अब यहां पे देखिए जब भी हम रन करते हैं तो ये वहां पे कर्सर रुक जाता है। आपने चूंकि प्रोग्राम लिखा है, आपको तो पता है कि आपको 5 नंबर देना है, बट अगर आपका प्रोग्राम कोई और रन करेगा तो उसको क्या पता लगेगा, नहीं। तो अच्छा है कि हम यहाँ पर पहले मैसेज डाल दें, क्या मैसेज डालें, एंटर 5 नंबर्स, जिससे कि यूजर को पता लग जाए उसे क्या करना है, है ना। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कल पढ़ा था आपने, मैसेज प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कल ही पढ़ा था, प्रिंटएफ, वेरी गुड। तो प्रिंटएफ से हम क्या करें, मैसेज प्रिंट कर दें, क्या एंटर 5 नंबर्स। तो चलिए पहले इसको रन कर लेते हैं, आया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखो थोड़ा सा फर्क ला दे रहे हैं, यहां पे क्या लिखा हमने, प्रिंट एफ प्लीज एंटर 5 नंबर्स, 5 नंबर इनपुट करो। अब इसको दोबारा सेव किया, दोबारा से रन करते हैं, लिख के आया ना प्लीज एंटर 5 नंबर्स। अब जो भी नंबर डालिए, सही चल रहा है, ये हमारा लिखने का तरीका हुआ। तो हम यहां पे एक लाइन और ऐड कर दे रहे हैं, क्या प्रिंटर प्लीज एंटर 5 नंबर। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया हो गया, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल। आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, इनपुट कराना है रेडियस, है ना। इनपुट द रेडियस ऑफ सर्कल एंड फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको पता है सर्कल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इनपुट कराओ फिर उसमें पाई आर स्क्वायर का गुणा कर दो तो हमें एरिया मिल जाएगा। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि हमें किसी सर्कल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, सर्कल का एरिया।
और सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस इनपुट करवाएंगे और एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने पहले ही बताया, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/r। तो चलिए इसको किया जाए। हमारा पहला काम तो होगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करें। हमने एक वेरिएबल ले लिया आर ए डी रेडियस के लिए, ओके। और एरिया के लिए हमने लिया फ्लोर टाइप का, फ्लोर क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है सर्कल का जब एरिया निकालेंगे तो दशमलव में आ सकता है, इसका हमने फ्लोर लिया एरिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनपुट कराते हैं, तो सी एल आर एस सी आर स्क्रीन साफ करेगा। मैसेज दिया, मैसेज देने के लिए प्रिंट एफ, क्या हम इनपुट कराना है, प्लीज एंटर रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस इनपुट कराओ। अब इनपुट कराने के लिए कौन सा फंक्शन है, स्कैन एफ, है ना, क्यों अंजलि, परसेंट डी, क्योंकि एरिया हमने रेडियस लिया है, डी कर लिया इसमें परसेंट डी, और किसमें इनपुट कराएंगे, आर ए डी में, हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, प्रोसेसिंग कैलकुलेशन करिए। एरिया बराबर क्या, पाई यानी कि 22/7 गुणे रेडियस गुणे रेडियस, रेडियस को दो बार गुणा करना क्योंकि स्क्वायर है, हो गया। अब क्या करें, इसको प्रिंट करा दें। प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन है, प्रिंट एफ, वेरी गुड। प्रिंट करा दो क्या, एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंट एफ, और यहां पे एरिया को प्रिंट कर दिया हमने, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम समाप्त, ठीक है ना। अब इसी को हमने पहले से यहां पे कर दिया है टाइप, और इसको अब हम सेव करेंगे किस नाम से, एरिया नाम से, एरिया डॉट सी, एंटर। ये बोला एरिया नाम से हमने कल भी बनाया था ना, इसलिए बोला ये नाम पहले से है, तो हम इसको दूसरे नाम से करते हैं, एरिया वन कर देते हैं, रेडियस एरिया वन कर दिया। अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं, कंट्रोल एफ नाइन, कोई एरर नहीं था, आ गया सीधे, बोला प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने सपोज 5 डाला, एंटर, तो एरिया ऑफ सर्कल इज, सही है, इज दैट क्लियर। ये तरीका है आपका एरिया कैलकुलेट करने का, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें तीन डेटा चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। तो हमने तीन वेरिएबल ले लिए, आईएनटी टाइप के, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, और फ्लोट टाइप का हमने ले लिया सिंपल इंटरेस्ट, एस आई, क्लियर। स्क्रीन साफ किया, मैसेज दिया, यूजर को पता चले क्या इनपुट करना है, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, ठीक है। और इनपुट कराने के लिए फंक्शन क्या है, स्कैन एफ, तीन इंटीजर है तो परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, यहां पे पी आर टी, इनपुट वाला काम हो गया। अब कैलकुलेशन वाला काम करो, क्या हो जाएगा, एस आई बराबर पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी बटे 100.0 करेंगे, क्यों करेंगे आपको पता है, क्योंकि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, इंटीजर आएगा, हमें दशमलव में चाहिए,
तो 0.0, या तो इसको दशमलव बदलो या इसको बदलो, तो ये ऑर्डिनरी इंटीजर है, इसको हमने बदल दिया, ठीक है ना। अब हमें प्रिंट करना बाकी है, तो प्रिंट करवा दो। प्रिंट एफ क्या? सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंट एफ, एस आई प्रिंट करा दिया। इज इट क्लियर? सिस्टम पे लिखा और इसको अब रन करने का प्रयास करते हैं। सेव कर लिया है, अब इसको कंट्रोल F9 से कंपाइल, लिंक और एग्जीक्यूट तीनों कर रहे हैं। अभी इसमें एक एरर बता रहा है, एरर 1, जरा देखें क्या एरर है। क्या बताया उसने? इललीगल यूज ऑफ पॉइंटर, कुछ गड़बड़ी की है हमने यहाँ पर, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए हैं, है ना। आप देखें गलती किया तो उसने बता दिया, सेव किया हमने, दोबारा से कंट्रोल F9 किया, अब की बार सही हो गया, तो कंपाइल हुआ, लिंक हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। मांग रहा है अमाउंट, रेट एंड टाइम, तो अमाउंट हमने डाल दिया सपोज 5000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 7%, टाइम सपोज 3 साल के लिए हमने जमा किया, ठीक है। अब साधारण ब्याज क्या है? 260.72 है, ये माइनस में क्यों लिखा रहा है? कुछ गड़बड़ किया हमने क्या? पांच हजार गुणे रेट 7 गुणे टाइम बटे 100, यहां पे कुछ गड़बड़ है भाई। उससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क, क्योंकि दोनों की बराबर है, उससे फर्क तो नहीं पड़ता है, है ना। रिजल्ट में माइनस क्यों आ रहा है ये देखना है। आपकी बार सही आया, 500 लिया हमने, फिर से रन करो, 5000 लेते हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें। 5000 में 7 करोगे कितना आएगा? 35000, बस यही गड़बड़ है। याद करिए जब हमने बताया था इंटीजर मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 4 बाइट। तो इंटीजर की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है कितनी होती है? 32767, 32000 सबसे बड़ी वैल्यू, और इसमें कितना आ गया? 35000, उससे बड़ा हो गया। तो जब कभी बड़ी वैल्यू हो, उससे बड़ी वैल्यू आएगी तो ओवरफ्लो कर जाता है और वो नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर बड़ा वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे इसको सबको लॉन्ग कर दे, क्या कर दे? लॉन्ग इट या लॉन्ग डायरेक्टली लिख दे तो भी काम चल जाएगा, है। और यहाँ पे क्या करेंगे? परसेंट एल डी, परसेंट एल डी, परसेंट, ठीक है ना। अब रन करो, 5000, 7 और 3 सही आया? हाँ, ये गड़बड़ है। इज इट क्लियर? तो यहां पर चेंजेस क्या करेंगे? केवल एक इनकी जगह क्या कर दें? लॉन्ग कर दें, और यहां पे परसेंट एल डी, परसेंट एल डी, परसेंट एल डी,
write a program to input temperature in centigrade and convert it in Fahrenheit. हमें तापमान इनपुट कराना है सेंटीग्रेड में और उसे बदलना है किसमें? Fahrenheit में. तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला इसका क्या है? C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9. ये फॉर्मूला है. हमें C में इनपुट कराना है और F में बदलना है. तो हम इसको फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 9 मल्टीप्लाइड बाय C है ना बटे 5 प्लस 32. ये है F बराबर F. ये 32 इधर आ जाएगा, ये इधर गया है ना, सॉरी 32 गुणे ठीक है सही 9 इंटू सी F माइनस 30 F प्लस 30 ठीक है. तो ये फॉर्मूला हो गया. अब हम क्या करें? इनपुट कराए C और कैलकुलेट करें F. करें तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, पहले तो वही हैश इनपुट लिखो, दूसरा क्या होगा कोनियो ठीक है ना, तीसरा चले एक मेन फंक्शन बनाए, इसमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करें, हमें फ्लोट टाइप का ले लेते हैं दोनों, फ्लोट टाइप का सेंटीग्रेड और फ्लोट टाइप का फारेनहाइट. इसको हमने सेंटीग्रेड के लिए सेंटीग्रेड सी एम पी आई और फारेनहाइट के लिए एफ ए आर ई एन दोनों फ्लोट ले लिया ठीक है ना. अब क्या करें? इनपुट कराएं, स्क्रीन क्लियर किया, फिर लिखा प्रिंटर एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ठीक है, मैसेज दिया सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इनपुट करो, स्कैनर इनपुट कराने के लिए स्कैनर परसेंट एफ, चूंकि फ्लोट है तो परसेंट एफ सेंटी में इनपुट कराया. अब कैलकुलेट करो एफ बराबर सी मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32. ये फॉर्मूला हो गया. अब कैलकुलेट हो गया, अब हम क्या करें? प्रिंट कर दें. क्या लिखें? प्रिंट एफ टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज परसेंट एफ और यहां पे एफ की वैल्यू, सॉरी हमारा यहां पे फारेन होना चाहिए एफ ए आर ई एन फारेन और यहां पे सी की जगह क्या होना चाहिए? सेंटी. जो वेरिएबल दिया है वही होना चाहिए ना. हाँ तो यहां पे फारेन और ये एम सी एच और ये आपका प्रोग्राम है ठीक है ना. अब इसी को हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे. चलिए हमने प्रोग्राम लिख लिया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करते हैं. सेव कर लिया है और सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. एग्जीक्यूट करने के लिए भाई कंट्रोल एफ नाइन किया जाए, कोई एरर नहीं है. मांगा उसने एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, तो हमने डाला सपोज 56. अगर 56 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलेंगे फारेनहाइट में तो कितना आएगा? 132 राइट. अब एक और बार रन करते हैं. अब की बार हमने -40 डाला, क्या डाला? आउटपुट क्या आया? हाँ ये आप लोगों को पता होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 फारेनहाइट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें दोनों की वैल्यू बराबर रहती है ठीक है ना.
जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग देखेंगे आपके प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, नए बच्चे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।